गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड इन आरसे एजुकेशन हब। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज फ्लावर। फ्लावर होता क्या है, फ्लावर की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, और जो है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, इन सब के बारे में अपन जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट और स्टेम। फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट या फिर स्टेम होता है, और किस तरीके से जो है ये मॉडिफाई होता है ये अपन देख लेते हैं। लाइक सपोज दैट दिस इज द स्टेम। व्हाट इज दिस, दिस इज स्टेम। स्टेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो है दैट इज नोन एज नोड। व्हाट इज दिस, दिस इज नोड, एंड दिस इज आल्सो नोड। बट दो नोड्स के बीच में जो रीजन पाया जा रहा है, दैट रीजन इज नोन एज इंटरनोड। ये तो आपने पढ़ी भी है, मैंने आपको जो है पहले वाले लेक्चर से अंदर बताया भी था कि स्टेम के जो है दो पार्ट होते हैं, नंबर वन इज नोड एंड सेकंड इज इंटरनोड। हाईली कंडेंस्ड रीजन इज नोन एज नोड, और नोड्स के बीच में जो रीजन पाया जाता है दैट इज नोन एज इंटरनोड। ओके, तो अब होता क्या है कि इसके ऊपर लीव्स अराइज हो रही है। वी नो मॉडिफाइड द लीव्स जो है स्टेम से अराइज होती हैं। लीव्स आर पार्ट ऑफ द स्टेम। ओके, अब होता क्या है कि इसके ऊपर मल्टीपल लीव्स अराइज हो रही है। लाइक वी कैन से ये किस किस के एक्सेस के ऊपर हो रही है राइज। ओके, ये फेस हो रही है यहाँ पे, इनको अपन इरेज करते हैं। बट लीव्स हमेशा किस के ऊपर राइज होती है, नोड्स के ऊपर। ये फिर यहाँ पर राइज हो गई है, यहाँ पे। अब क्या है कि जो नोडल रीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों नोड्स जो है, जो जितने भी नोड्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाता है। पास आने के बाद में अपन को देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलती है। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, मतलब कि जो स्टेम है स्टेम के अंदर नोड और इंटरनोड जो है वो सप्रेस हो गए हैं। सप्रेस होने के बाद में नोड्स जो है एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं, और क्लोज आने के बाद में जो भी नोड्स के ऊपर लीव्स आ रही थी, लीव्स जो है वो एक दूसरे क्लोज आ गई है, और क्लोज आने के बाद में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, और इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दे दिया है, फ्लावर। सो वी कैन से दैट द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट होता है, और किस तरीके से फॉर्म होता है आपको दिख ही रहा है। नोड्स के ऊपर जो है मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, नोड्स जो है सप्रेस हो गई हैं, एक दूसरे की क्लोजर आ गई हैं, और क्लोजर आने होने के बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लावर। That is structure is known as flower. Alright. तो ये तो अपन ने फ्लावर देख लिया है। अब अपन जो है फ्लावर की डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि फ्लावर जो है कौन कौन से पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है, और फ्लावर के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वैसे फ्लावर जो है किसी भी प्लांट की सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। ए सेक्शुअल तो मल्टीपल होती हैं, लाइक रूट, स्टेम्स और लीव्स। रूट से भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्टेम से भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, इवन लीव से भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट, बट सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ओनली फ्लावर, क्योंकि इसके अंदर ही सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं। सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए जो है फ्लावर को अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब अपन जो है इसके स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। दिस इज हाईली कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इट इज कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, राइट। अपन इनको लेबल करते हैं। फ्लावर जो है बेसिकली चार वर्ल्ड से डिवाइडेड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। सबसे जो अपन सबसे बाहर वाले वर्ल्ड की बात करते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड है दैट इज नोन एज कैलिक्स। दैट इज नोन एज कैलिक्स। कलेक्टिवली इसको कैलिक्स बोला है, बट इसकी जो सिंगुलर यूनिट होती है, जो सिंगल अपन लीफ की बात करें दैट इज नोन एज सेपल।
दैट इज नोन एज सेपल, और वी कैन से सेपल्स को जो है कलेक्टिवली क्या बोलते हैं अपन, कैलिक्स बोलते हैं. दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड, राइट, दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड. इसके बाद में बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड की, दैट वर्ल्ड इज कोरोला. दैट वर्ल्ड इज कोरोला. कोरोला इज कंसिस्ट ऑफ पेटल्स. कोरोला इज कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, और वी कैन से पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला. ऑलराइट, इसके बाद में अपन थर्ड बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड की, और अंदर से सेकेंड वर्ल्ड की बात करते हैं. दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. वॉट इज दिस? दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है इसको अपन बोलते हैं एंड्रोशियम. दैट इज नोन एज एंड्रोशियम. बट एंड्रोशियम जो है दिस इज कंसिस्ट ऑफ स्टैमिन्स. दिस इज कंसिस्ट ऑफ स्टैमिन्स. स्टैमिन जो है बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं. ऊपर जो आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज नोन एज एंथर. दैट इज नोन एज एंथर. और ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज नोन एज फिलामेंट. और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज फिलामेंट. It means we can say the stamen is consist of two parts. Number one is anther and number second is filament. Okay. और जो stamens होते हैं वो collectively अपन क्या बोलते हैं? Androecium. Androecium is a male reproductive part. इसके बाद में बात करते हैं female reproductive part. This is the innermost world, जो कि सबसे अंदर पाया जाता है. That is known as gynoecium. That is known as gynoecium. एंड सिंगुलर यूनिट ऑफ गाइनोशियम, और गाइनोशियम के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं पिस्टल और कार्पल्स. उनको अपन पिस्टल्स या फिर कार्पल्स बोलते हैं. पिस्टल और कार्पल्स जो है बेसिकली तीन पार्ट से मिली कंसिस्ट होती हैं. ऊपर जो सोलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टिग्मा. ओके, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल, एंड दिस सोलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ओवरी. तो पिस्टल जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई है. नंबर वन स्टिग्मा, नंबर टू स्टाइल, एंड नंबर थर्ड इज ओवरी. ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है फ्लावर के जितने भी वर्ड्स हैं एक स्वेलन स्ट्रक्चर के ऊपर अरेंज होते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेमस. उसको अपन क्या बोलते हैं? थैलेमस. और थैलेमस के नीचे जो है अगेन एक स्ट्रक्चर पाई जाती है दैट इज नोन एज स्टॉक. That is known as a stalk. और thalamus और stalk दोनों को collectively बोलते हैं receptacle. So we can say flower is consist of four worlds. Flower जो है चार worlds से मिलकर बना हुआ है. Outermost world is known as calyx. Second world is known as corolla. Third world is known as androecium. And fourth world is known as gynoecium. कैलिक्स जो है वो सेपल से मिलकर बना होता है. छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, छोटी छोटी ग्रीन लीव्स होती हैं जो सबसे बाहर पाई जाती हैं. इनका मेन फंक्शन होता है कि अंदर जितने भी वर्ड्स पाए जा रहे हैं रिमेनिंग कैलिक्स लाइक कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इट इज प्रोटेक्टिंग टू द ओल्ड स्ट्रक्चर. ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इसके अलावा दिस इज वन इज प्रोटेक्टिंग, दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन इन कलर. और जहां पे ग्रीन आ रहा है इट मीन्स इट इज हेल्पफुल इन सिंथेसाइजिंग फूड. ये खाना बनाने के अंदर भी काम में आता है. ओके, कैलिक्स जो है पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा है. प्रोटेक्ट करने के अलावा इट इज ऑल्सो सिंथेसाइजिंग फूड बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, एंड द ग्रीन इट मीन्स इट इज कंटेनिंग क्लोरोफिल. इफ इट इज कंटेनिंग क्लोरोफिल इट मीन्स इट इज सिंथेसाइजिंग फूड. सो इसके फंक्शन के बारे में पता चल गया है. इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड की बात करते हैं दैट इज कोरोला. कोरोला की जो यूनिट्स जो कोरोला के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं पेटल्स, या फिर जो पेटल्स को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं? कोरोला. ये जो है कलरफुल होते हैं. ये नेचर के अंदर कलरफुल पाए जाते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को या फिर जो है एनिमल्स को अट्रैक्ट करना. इवन ह्यूमन बींग को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं. और ये जो जितने भी इंसेक्ट्स को ह्यूमन बींग को या फिर जिसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पोलिनेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं. सो दीज आर हेल्पिंग इन पोलिनेशन. दीज आर हेल्पिंग इन पोलिनेशन. इसके बाद में थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं दैट इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर.
एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर राइट. द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम की जो यूनिट्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं स्टैमिन्स, या फिर स्टैमिन्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं अपन, एंड्रोशियम. दो पार्ट्स में कंसिस्ट हो रहा है, नंबर वन इज एंथर एंड नंबर सेकंड इज फिलामेंट. जो एंथर है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, दो लोब्स पाई जाती हैं और ईच लोब के अंदर जो है दो चैम्बर पाए जाते हैं. सो वी कैन से एंथर के अंदर दो लोब्स पाई जाती हैं और दो एक लोब के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं, टू चैम्बर्स. सो वन इज वन, सो टोटल चैम्बर्स कितने हो गए, फोर. दो लोब्स पाई जाती हैं और एक लेफ्ट लोब के अंदर दो चैम्बर, तो टोटल चैम्बर कितने हो गए, फोर चैम्बर. इन चैम्बर के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं. क्या फॉर्म होते हैं इनके अंदर, पोलन ग्रेन्स. इट मींस एंड्रोशियम इज फॉर्मिंग मेल गैमेट्स राइट. इसके बाद में हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज नोन एज गाइनोशियम. गाइनोशियम की यूनिट्स होती है अपन बोलते हैं पिस्टल्स या फिर कार्पल्स. ये तीन पार्ट्स से इनका कंसिस्ट होती है, नंबर वन इज स्टिग्मा, नंबर सेकंड इज स्टाइल एंड नंबर थर्ड इज ओवरी. ओवरी के अंदर जो है फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं और उनको अपन बोलते हैं ओव्यूल्स. उनको अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स. इसके बाद में जो है अपन एक एक पार्ट की जो है इंडिविजुअली स्टडी करने वाले हैं, कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में, गाइनोशियम के बारे में. बट दैट वॉज द बेसिक नॉलेज, दैट वॉज द बेसिक नॉलेज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट इज फ्लावर, वॉट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, वॉट आर द फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स राइट. थैंक यू.